सलाम जोधपुर, मैं हूँ आरजे रेक्स 94.3 माय एफएम से। और रोज मैं मंदिर जाता हूँ, और कल मंदिर में मैंने एक 50 से 55 साल के व्यक्ति को देखा जो भगवान की प्रतिमा के सामने दोनों हाथ यूं करके मुस्कुरा रहे थे बड़े जोर से। और थोड़ी देर बाद में वो उन्हें ऐसे ऑल द वेरी बेस्ट भी विश कर रहे थे, तो मुझसे रहा नहीं गया, काफी देर देखा मैंने। फिर मैंने उनसे पूछा कि अंकल, बाय द वे, आप प्रतिमा के सामने मुस्कुरा क्यों रहे हैं, ऐसे ऑल द वेरी बेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने मुस्कुरा के मुझे जवाब दिया कि बेटा, जिंदगी में हमेशा हम हमारी खुशियों में मुस्कुराते हैं, हम हमारे दोस्तों परिवार के सदस्यों के साथ मुस्कुराते हैं, बट जब भी हम मंदिर आते हैं तो हमेशा हम ऐसे लाचार होकर आते हैं कि बस अब हम फंस गए हैं, हमारी मदद कीजिए भगवान। तो हम हमारे चेहरे पर एक ऐसी एक रिक्वेस्ट वाला फेस रखते हैं हमेशा कि प्लीज मेरी ये जो मेरी मुराद है इसे पूरा कर दो भगवान। और मैं इसको उल्टा करता हूँ कि मैं जब भी भगवान के पास आता हूँ तो मुस्कुरा के उनको बोलता हूँ, थैंक यू गॉड, जो भी आपने मुझे दिया बहुत अच्छा दिया है और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इसीलिए मैं जब भी मंदिर जाता हूँ, उन्होंने बताया कि वो जब भी मंदिर जाते हैं वो हमेशा ईश्वर की प्रतिमा को देखकर मुस्कुराते हैं, रोते गिड़गिड़ाते नहीं हैं। कहीं ना कहीं ये छोटी सी जो बात उन्होंने मुझे कही मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाकर मैं इसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर कर रहा हूँ ताकि हम लोग भी जब मंदिर जाएं तो हमेशा हाथ जोड़कर घबरा कर अपना मुंह उदास कर कर भगवान के सामने सिर्फ मांगे नहीं, उन्हें एक बार थैंक्स भी बोलें कि जो आपने दिया है वो बहुत अच्छा है प्रभु, वी आर थैंकफुल टू यू। जियो दिल से।